कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन की जो तैयारी है उसकी इतनी गांठें पड़ गई हैं और कई बार गांठ खुलती है, कई बार फिर गांठ बन जाती है और इस गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। देश की जनता का इस गठबंधन पर कोई भरोसा नहीं है। विश्वास का दूसरा जो नाम इस देश में है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है और वह विश्वास आज तो भारत ही नहीं, हम सब गौरव के साथ ये कह सकते हैं, पूरी दुनिया का विश्वास बढ़ा है। पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में, सबसे भरोसेमंद नेता के रूप में उनकी जो ख्याति आज देश देख रहा है, दुनिया देख रही है, ये गौरव की बात है। मैं यह मानता हूँ कि तीसरी बार भी और चौथी बार भी, पांचवी बार भी, बार बार मोदी सरकार, बार बार भाजपा सरकार, पांच राज्य नहीं, वो मीटिंग करे, ये उनके गठबंधन का विषय है, हमारा विषय नहीं है। हमारा एक लाइन का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ सत्ता में है वहाँ वापसी करेगी और जहाँ हम सत्ता में नहीं है वहाँ कांग्रेस को हराएंगे, कमल खिलाएंगे, सरकार बनाएंगे और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार के लिए यह जरूरी भी है। और इसलिए कांग्रेस का कोई नेता कह रहा है या जो गठबंधन बनाया है INDIA के नाम पर, उस गठबंधन का कोई नेता कहता है, चाहे वो हमारे जो अच्छे जाने माने देश के पत्रकार एंकर हैं उनका बहिष्कार करने की बात करता है, वो आपातकाल थोपने का संदेश एडवांस में देना चाहते हैं, तो वो उनका विषय है, वो देते रहेंगे। लेकिन जनता मन बना चुकी है, केवल चुनाव की घोषणा का इंतजार है। जब EVM उसके सामने आएगी तो जनता कमल का बटन दबाएगी, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।